मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। अब पूरे भारत को देखिए, दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे, उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए, पंजाब में गुरु नानक देव हुए, पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदेव जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है।